माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज से शुरू हो रही है नवरात्रि, तो शुभ नवरात्रि। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और सुबह सुबह का टाइम है, एकदम सुबह के 6 बजे हैं। मैं इससे थोड़ा पहले ही उठ गई थी, तो बर्तन वगैरह धो के ब्रश वगैरह करके और तैयार हो गई हूँ। और अब मैं चाहत और आनव को जगाऊंगी और उनको स्कूल भेजना है, तो मैं बना लेती हूँ उनके लिए सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा मैं इसलिए बनाऊंगी क्योंकि पूरी पराठा कुछ भी बनाओ तो उसके साथ सब्जी बनाओ, और आज मेरा और वीर का रहेगा व्रत, तो मैं सोच रही हूँ कि हलवा बना लूंगी तो ज्यादा काम भी नहीं बढ़ेगा और इसके बाद घर की सफाई भी बहुत करना है। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ। और इधर मैं दूध पकने को रखी थी उबलने को, तो दूध भी पक गया है, तो चाहत और आनव को दूध ही दे दूंगी पीने को। और अभी मैं और भी चाय भी नहीं पियेंगे सुबह सुबह, इसलिए मैं चाय बनाऊंगी भी नहीं। चाहत आनव तो बस ऐसे ही जब हम लोग चाय पीते हैं इसलिए थोड़ी सी चाय और दूध उनको भी दे दिया करती थी, बट आज दूध बूंद मीठा ही सुबह में दे दूंगी क्योंकि व्रत के दिन ना बिना है चाय नहीं पीते हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग भी चाय और कुछ भी नहीं, जब नहा लेंगे पूजा पाठ कर लेंगे जब भी चाय पियेंगे, तो बस मैं आज डायरेक्ट नाश्ता ही बनाने लग गई हूँ। कैंची कहाँ है? सो गाइस ये देख लीजिए, मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ नाश्ते में, तो मैं इसको बस देसी घी से भून रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें गरम पानी थोड़ा सा करके डाल दूंगी और शक्कर डाल दूंगी बस। और अगर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी ना तो आनव और चाहत खाएंगे ही नहीं, मतलब खाली बादाम तो लेके हाथ में खा लेते हैं लेकिन जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह खीर सेवई और ये हलवा वगैरह में डाल देती हूँ तो फिर नहीं खाते हैं। फिनिश करके आओगे ना टिफिन का? ना। क्यों? फिनिश करके आते हैं नहीं, मैं मारती हैं, है ना? नहीं खाओगे? अच्छा एप्पल खा लेना। नहीं खाओगे? अच्छा मम्मा को किसी कर दो जल्दी से। अरे यहाँ यहाँ चिक मिचिक 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 तो सारा दिन करता रहता है। बाय आनव। क्या हुआ? बिना हेलमेट के एंट्री नहीं मिलेगी। कहाँ है? अभी वापस आना पड़ता है इसकी वजह से। सो गए चाहत और आनव स्कूल जा चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, तो आज मुझे करना है किचन की डीप क्लीनिंग। देख लीजिए सब कुछ कितना अस्त व्यस्त है,
क्योंकि ना बारिश के कारण ना मतलब करने को तो मैंने अभी किया था, पीतल शुरू होने से पहले ही किया था, मतलब 10 दिन हो गए होंगे, 15 दिन तो मैंने अभी किया था सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ बहुत ही गंदा लग रहा है किचन में। तो एक बार मैं फिर से पूरा किचन ऊपर से साफ करके पूरा झाड़ के ऊपर से, और फिर से मैं करूंगी किचन की क्लीनिंग और फर्श भी साफ करना है। कुल मिला के पूरा किचन अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि आज से शुरू हो गई नवरात्रि और पूजा पाठ करना और व्रत करने में तो ऑलरेडी बहुत सफाई हो जाती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जाले वाले हटाने झाड़ने के लिए मैंने ये मंगवाया, बट ये मुझे सही नहीं लगा। ये मैं दूसरी बार यूज कर रही हूँ, अभी एक आध महीना पहले मैं इसे जाले हटाई थी, जब भी यहाँ से ढीला हो जा रहा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक है काम तो चल ही रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसी से अभी मैं थोड़े बहुत जाले लग गए हैं ऊपर, अब फिर से कैमरा उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं अब जाले नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं फिर मैं झाड़ लेती हूँ। पूरा झाड़ दी हूँ और अलमारियों में पेपर भी छा दी हूँ, तो और डिब्बे तो मैं हमेशा जैसे ही मेरा सामान खाली होता है ना, और दोबारा अगले महीने का जब मुझे सामान भरना होता है तो मैं डिब्बे धो के ही हमेशा भरती हूँ। तो डिब्बे मेरे एकदम साफ रखे हुए हैं, तो बस मैं इसको गीले कपड़े से इस तरह से थोड़े बहुत, जो अभी जैसे ऊपर झाड़ी तो धूल पड़ गई है, तो मैं बस इनको बस हल्के से ऐसे गीले कपड़ों से पोंछ के और फिर से जमा दूंगी।
गाइज मैं क्लीनिंग का पूरा काम खत्म करने के बाद देख लीजिए, वैसे आप लोगों को ना सेम दिख रहा होगा, कोई चेंजेस नहीं लग रही होगी, बट मैंने बहुत ज्यादा किया है। और यहाँ तो किचन में ना पूरा पानी भर के और धो दिया है, और उसको पानी को निकालने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो मैंने अच्छी तरह से पूरा क्लीनिंग का काम खत्म करने के बाद और फिर नहा करके आ गई हूँ। बाल अभी गीले हैं और पूजा भी कर लिया है, देख लीजिए। तो इन सबको ब्लॉग में एक साथ इसी क्लीनिंग वाले ब्लॉग में नहीं ऐड की, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हम लोगों का ना, मेरा और बीर का आज व्रत है, तो चाय बना के दे दूंगी। बीर चले जाएंगे ऑफिस, और चाहत को लेने गए थे स्कूल से, तो ये केला वगैरह लेके आ गए हैं। केला है, खीरा है, और इधर दोपहर के लिए ये साबूदाना गला के रख दी हूँ। तो ये सब तो फिर मैं दूसरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।